मेहता का उल्टा चश्मा। प्रेम के दीप है खुशियों की बाती, मस्ती की रोशनी सबको लुभाती, आंगन ये लगता है पूजा की थाली, गोकुल धाम की ये। देखो दिवाली आई दिवाली, देखो दिवाली आई दिवाली। अरे बबीता जी, आप अकेले अकेले खरीदी कर रहे? भरी बाजार में अय्यर भाई आपको अकेला छोड़ के कहाँ चले गए? अरे वो कहीं नहीं गए, बस वहीं पे डेकोरेटिव आइटम्स देख रहा है। अच्छा बबीता जी, एक रिक्वेस्ट करो। हाँ प्लीज बोलिए ना। मुझे भी थोड़ा दिए खरीदने हैं, लेकिन सब इतने अच्छे हैं ना, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा दिया खरीदू, तो आप मेरी जरा हेल्प करेंगे? हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। मैं बताऊ? नहीं नहीं यार भाई, कहाँ से आया? वांदा नहीं, बबीता जी देख रहे हैं ना, उनको पसंद करने दो ना। ये देख, ये बहुत अच्छा है बबीता, देखो ये वाला। हाँ देख रहे हैं, उनको देखने दो ना यार भाई। हाँ वैसे जेठा जी, इसका कलर और डिजाइन बहुत प्यारा है। हाँ देखिए, आपको पसंद है मतलब खत्म बात, क्योंकि आपकी पसंद तो जबरदस्ती होती है। जनरल ये मैंने पसंद किया है। अरे हाँ भाई, आपकी पसंद तो बहुत ही अच्छी है, वो तो जग जाहिर है। यस यस, ये जीरा जी। हाँ ले लो, 12 है ना, जितना 12 है ना एक गजक। कितना सुंदर है। सोनू, ए सोनू जरा यहाँ आना, आई बुला रही है। हाँ चलो। मैंने कब बुलाया? तो सब आ रहे। खुश पाई जी। हाँ बाबा। जरा आई को शॉपिंग में मदद करो, आओ। हाँ अच्छा है। अरे तुम लोग यहाँ पे क्या टाइम पास कर रहे हो कब से? मैंने बोला ना जरा ध्यान रखो, यहाँ वहाँ काफी भीड़ है यहाँ पे। डोंट वरी भीड़ अंकल, हमारा सब जगह ध्यान है। अरे भीड़ अंकल, आपसे एक कंप्लेन है वैसे। क्या? आपने इतने सारे स्टॉल्स लगाए, खाने का एक भी स्टॉल नहीं लगाया। अब गोली, अगर हम लोग यहाँ पे खाने का स्टॉल लगाते ना, तो बाहर वाले आए उसके पहले तो सारा खाना खत्म कर देता। थोड़ा टाइम पास करो तो बगा जरा। डोंट वरी मेरे, क्या देखना क्या बहुत सुंदर है। कभी सोचा ही नहीं था कि हम अपनी सोसाइटी में शॉपिंग करेंगे। ये बात तो है भाई, ये बात तो पक्की है, बहुत मजा आ रहा है पर। हाँ तारक, मैं तो कहती हूँ आज आप ऑफिस से छुट्टी लीजिए, सारा दिन साथ शॉपिंग करेंगे। नहीं अंजलि, नहीं ये पॉसिबल नहीं, अगर आज मैंने छुट्टी ले ली ना तो बॉस मुझे दिवाली की शाम तक काम कराएगा। नहीं नहीं, नहीं ले सकता हूँ। मतलब आप मेरे लिए भी छुट्टी नहीं लेंगे, इतना डरते हैं बॉस से आप? बॉस से डर नहीं लगता मैम साहब, छुट्टी लेने से लगता है। जाना पड़ेगा भाई, तो और शॉपिंग कराऊंगी। भैया ये कितने का दिया? बापूजी ये घर का। हाँ चलो भाई जयलाल, रेडी चलो। हाँ रेडी। हाँ चले बापूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जयलाल, मेरे को भी चढ़ देना। यार भाई सॉरी, हम लोग तीन हैं, मैं मेहता साहब और ए बागा। ठीक है मेरे को थोड़ी चढ़ देगा, थोड़ी मेरे को चढ़ देना। ओ सॉरी यार ब्रा, आज मैंने ग्राहक से छुट्टी ली है, आज सारा दिन रोशन डार्लिंग और महिला मंडल को हेल्प करने वाला हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं यार भाई, एक काम करते ना, दो रिक्शा कर लेंगे ना, एक में मैं और मेहता साहब और बाघा और एक मैं आप। अरे मजाक कर रहा हूँ यार भाई, चलो ना टैक्सी कर लेंगे, उससे कौन सी बड़ी बात है, हम सबका उतार के आप फिर ऑफिस चले जाना। चलता हूँ। ठीक है सोनी भाई, आप भी एक दिन एक रिक्शा का खर्चा नहीं कर। सब अच्छे से सेट हो गया नहीं? आज तो वरी सब भी स्टॉल्स कितने सोचे लग रहे हैं नहीं। हाँ दिवाली मेला का शानदार आयोजन हो गया। हाँ ईश्वर की कृपा से हम सबकी मेहनत रंग लाई है, इन फेरी वालों के सामान सब अच्छे से बिक जाए। हाय बबीता। हे हाय कृति, हाउ आर यू? आई एम गुड।
वाओ, अरेंजमेंट तो बहुत बढ़िया किया है। थैंक यू सो मच। प्लीज कम। आई आई। हेलो माधवी आंटी। अरे बेटा आ गए। बेटा सर कहाँ पे है? हाँ हाँ बेटा। आहो राहुल अड़ी परिवार। नमस्कार नमस्कार। थैंक यू फॉर कमिंग। आइए आइए। हाँ बेटा। चलो अच्छा है, लोगों का आना शुरू हो गया। बिल्कुल। मेले का असली रंग तो अब जमेगा। आइए आइए, दिवाली मेले में आपका स्वागत है। ये दिवाली मेला यहीं पर है। हाँ आइए आइए। वाह, यहाँ दिवाली मेले में तो बहुत भीड़ है, यहाँ पर मैं बड़ा हाथ मार सकता हूँ। अब्दुल, भीड़ बहुत बढ़ गई ना? हाँ बड़े भाई, ये तो अच्छी बात है ना? नहीं अच्छी बात तो है, लेकिन टेंशन वाली भी बात है ना? जरा ध्यान रखना जरा। हाँ हाँ, जाओ जाओ। पर्स कहाँ गया? अरे मेरा चैन किधर गया? मेरा फोन किधर? मेरा फोन? पर्स? अरे रुको 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 रुको। अरे क्या कर रहा, रास्ता दो, जाने दो मुझे। भाग के कहाँ जाओगे? मैं कहीं नहीं भाग के जा रहा हूँ। ओह हेलो, हमें सब पता है कि यहाँ पे कौन क्या कर रहा है, ठीक है? हमने देखा है तुम यहाँ पर चोरी कर रहे थे। हमारी कब से नजर है सब पे, ठीक है? हाँ हमने सब देखा है। मैंने कोई चोरी नहीं किया है। छोड़ो जाने दो। बोलो ना, इससे रुको। कहाँ जाना है दादाजी? ये चोर है और सबका सामान चोरी करके भाग रहा था यहाँ से। चोर कहाँ से आ गया? इसलिए मैं बोल रहा था ना कि हमें नजर रखनी चाहिए। वेरी गुड टप्पू जना। भिड़े भाई, मेरा पर्स चोरी हो गया। मेरे गले की चैन नहीं मिल रही है और मेरा मोबाइल भी नहीं मिल रहा। आप सबकी चीजें इसने ही चोरी की है। अच्छा, मैंने कुछ चोरी नहीं किया। झूठ। अभी पता चल जाएगा तुमने क्या किया है। ओगी ओए से यार, चेक कर कोगी, पता चेक कर। छोड़ दे आप। आई जा। अरे ये तो मेरा पर्स है। ये तो मेरी चैन है। ये तो मेरा मोबाइल है। ये बदमाश लोपार्ड। और तेरी हिम्मत कैसे हुई गोकुलधाम सोसाइटी में आके चोरी करने की? और तेरी हिम्मत कैसे? चोरी चोरी चोरी, मारो उसको, मारो। मुझे माफ कर, मुझसे गलती हो गई। अरे तुझे माफी नहीं, सजा मिलेगी, सजा। पुलिस के हवाले
सही बात है, ऐसे लोगों को तो पुलिस ही सीधा करेगी। मुझे माफ कर दो, मुझे जाना, मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। अच्छा, ऐसी कोई गलती नहीं करेगा, वो तो तू अभी पकड़ा गया इसलिए बोल रहा है। अभी तुझे छोड़ लेंगे तो कल फिर किसी इंसान की मेहनत की कमाई लूटेगा तू। हाँ, आज पकड़े गए, कल पकड़े नहीं गए तो वो मेले में देखो, वो लोग कितनी मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं। सही बात है, जिनके हाथ पैर नहीं होते वो भी मेहनत से कमाते हैं। और तुम्हें देखो, भगवान ने तुम्हें हाथ पैर दोनों दिए हैं, फिर भी चोरी करते हो, ये तो गलत बात है। और नहीं तो क्या, अरे कुदरत का करिश्मा है हमारे ये दो हाथ, ये पहाड़ तोड़ देते हैं, ताजमहल बना देते हैं, इसे चोरी चकरी में नहीं अच्छे काम में लगाना चाहिए। हाँ, आप लोगों की बातें सही हैं, लेकिन मुझे चोरी करने का कोई शौक नहीं है, ये काम तो मैं मजबूरी में करता हूँ। अरे भैया, कैसी मजबूरी? मेरे पास ना काम है ना ही पैसा, मुझे अपने परिवार को पालने के लिए ऐसा करना पड़ता है। कौन कौन है तुम्हारे परिवार में? मेरी बीवी है, दो छोटी बेटियां हैं। हर बाप की तरह मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बेटियां भी दिवाली मनाएं। ऐसे चोरी करके? अरे हर फैमिली में प्रॉब्लम होता है, तो क्या हर फैमिली चोरी कर दे? और चोरी के पैसों से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी खुशियां नहीं मिलेगी। हाँ, आप लोगों की बातें सही हैं। आप लोग चाहे तो मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए, मुझे मेरे किए की सजा मिल जाएगी और शायद उससे मैं सुधर जाऊं। एक बात कहूं, सजा देने से ज्यादा क्षमा देने से इंसान सुधरता है। जा, तुम्हें माफ किया, जा। और तुम्हारी सजा यह है कि आज के बाद तुम चोरी नहीं बल्कि मेहनत करोगे और काम करोगे। सबसे बड़ी समस्या तो यही है साहब कि काम इतनी आसानी से मिलता ही नहीं है। ऐसे कैसे काम नहीं मिलता? ओ जी, कल से तू छोटी गराज में आ जा। ओ जी, रब की कृपा से छोटी गराज में बहुत काम है। गड्डी धोना, गड्डी पॉलिश करना, वो गड्डियों की डिलीवरी करना, ऐसे इतने काम है। मैं कुछ भी काम कर लूंगा। बस है ना, मेरा छोटी गराज का एड्रेस पढ़, कल सवेरे टाइम से आ जाए। वेरी गुड, क्या बात है छोटी, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। रुकी बेटा, चीजें वापस कर दो। अरे इनको नहीं, यानसे है ना ते। वेलकम जी, वेलकम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कल आ जाऊंगा। अच्छा एक मिनट बेटा, दिवाली है ना तो ये लो, ये 2000 रुपये रख, अपनी बेटियों के लिए कुछ खरीद लेना। नहीं नहीं अंकल जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आज आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज के बाद मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन कभी चोरी नहीं करूंगा, मैं अपनी बेटियों को अपनी मेहनत का ही खिलाऊंगा। अरे वाह, शाबाश शाबाश शाबाश। होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, नहीं का? सुबह को भूला अगर शाम को घेरा जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बिल्कुल, शाबाश टप्पू सेना, शाबाश, बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने, वेरी गुड, ऐसे ही नजर रखो सब पे। थैंक यू मैडम, चलो अभी वापस नजर रखो सब पे। चला चला, अरे वाह, गोकुलधाम सोसाइटी वालों ने तो इस बार भी धमाल कर दिया। क्या आयोजन किया दिवाली मेले का, चलो इसको भी अच्छी तरह से कवर करेंगे।
नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से, और सब मैं हूँ लाई सीधा गोकुल धाम सोसाइटी से। आप लोगों ने दुनिया के सात अजूबों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ गोकुल धाम सोसाइटी में, जो कि मशहूर है दुनिया के आठवें अजूबे के नाम से। यहाँ के लोग समाज सेवा से जुड़े बड़े अनोखे अनोखे काम करते रहते हैं, और इस बार दिवाली के मौके पर यहाँ की महिला मंडल ने आयोजित किया है एक दिवाली मेला, और यहाँ पर उन्होंने मौका दिया है सड़कों पर फिरने वाले फेरी वालों को आकर अपना सामान बेचने देने का। आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ के फेरी वालों के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा मुस्कुराहट है। वो लोग बहुत खुश है कि उन्हें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है अपना सामान बेचने का। तो आइए इन लोगों से बात करते हैं। बताइए, आपको यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में आकर अपना सामान बेचकर कैसा महसूस हो रहा है? गोकुलधाम सोसाइटी में बिना डर के माहौल के हम सबके सामान बहुत अच्छे से बिक गया। हाँ, हमें इन लोगों ने बहुत सहकार दिया है। गोकुलधाम में आके हमारी दिवाली सवर गई। थैंक यू गोकुलधाम निवासियों, थैंक यू। हमने तो सोचा था इस बार की दिवाली गई हमारी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, हमें सामान बेचने में कोई दिक्कत नहीं हुई, तेजी से हमारा सामान बिक रहा है। गोकुलधाम सोसाइटी के लोगों की वजह से हमारी सारी परेशानियां दूर हो गई। गोकुलधाम सोसाइटी के बारे में जो सुना था उससे कई ज्यादा अच्छे लोग हैं ये। तो देखा आप लोगों ने, कितने खुश हैं ये लोग, कितनी तेजी से इनका सामान बिक रहा है। और इस मेले का जिन लोगों ने आयोजन किया है, अब बात करते हैं हम उन लोगों से। तो सबसे पहले मैं गोकुलधाम सोसाइटी के महिला मंडल को ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने फेरी वालों को जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, ताकि हमारे दर्शक ज्यादा से ज्यादा इंस्पायर हो सके। आप बताइए। मैं तो ऐसे प्लेटफॉर्म वगैरह देने का नहीं सोचा था, पर हमारी सबकी ऐसी इच्छा थी कि ये लोग मेहनत से अपना सामान बनाते हैं, तो मतलब कहीं पे उनको ये जो सुंदर सुंदर चीजें इन्होंने बनाई हैं, एक एक चीज ऐसे दिल से बनाई है, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनकी कला पहुंचे, ऐसे हमारी सबकी इच्छा थी, इसलिए हम लोगों ने सब इसे अरेंज करने का सोचा सोसाइटी में। और हमारे भगवान से यही प्रार्थना है कि इनका सब सामान बिक जाए और इन्हें अच्छा सा प्रॉफिट हो। और इस माध्यम से हम लोगों को ये भी संदेश देना चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी वस्तुएं खरीदें। और मैं कल तक के सभी दर्शकों को ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप आज के आ जाइए, इनके पास बहुत अच्छा स्टॉक है, आप अपने दिवाली की शॉपिंग इधर ही से कर। और इतना ही नहीं, आज रात को हम इनके साथ दिवाली भी मनाने वाले हैं। तो देखा आप लोगों ने कि गोकुलधाम सोसाइटी वालों का दिल कितना बड़ा है और ये कितने अनोखे अनोखे काम करते हैं। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों से कि वो लोग भी ऐसे अनोखे काम करें और फेरी वालों को और स्वदेशी लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका दें और सबकी दिवाली बनाए। हैप्पी दिवाली। मेम साहब, आपने जो कहा वो कर दिखाया। गणेश भाई, हमने नहीं, हम सब ने कर दिखाया। फिर भी आप लोग ने जो हमारे लिए किया है हम जीवन भर नहीं भूल पाए। आप सभी गोकुलधाम वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों को मदद करके हमें जो खुशी मिली ना, वो हम शब्दों में नहीं बता सकते। अरे आप लोगों की वजह से तो हमारी दीपावली खास हो गई। सच, ये दिवाली हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। चलो भी मिलके दिवाली सेलिब्रेट करते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। प्रेम के दीप है खुशियों की बाती, मस्ती की रोशनी सबको लुभाती, आंगन ये लगता है पूजा की थाली, गोकुलधाम की ये। देखो दिवाली आई, दिवाली देखो, दिवाली आई, दिवाली। इस दिवाली को ऐसे मनाएंगे, घर घर गरीबों के दिए जलाएंगे, दिन और दुखियों की कर दे सहाई, सबका मुंह मीठा हो बांटे मिठाई। लक्ष्मी और सरस्वती देवी का पूजन हो, व्यापार धंधे तरक्की से रौनक।
चमके है हर परिवार। दोस्तों कितना सुंदर विचार था ना, सड़क के किनारे पटरी पे जो हमारे दुकानदार मित्र हैं, जो छोटा छोटा सामान बेचते हैं, उन सबका सामान बिक गया इस दिवाली मेले में गोकुल धाम में और सबके घर में खुशियां आ गई। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की हमेशा यही भावना रहती है कि सब आगे बढ़े, सबके घरों में खुशियां आए। एक अनूठी सामाजिक पहल की वजह से मेला संपन्न हुआ और एक अनोखे उत्साह और उमंग की अनुभूति दे के गया हमें। लेकिन मित्रों, ये मेला जरूर संपन्न हो गया है, सबके घरों में खुशियां आ गई, लेकिन खुशियां आगे बनी रहेंगी, बरकरार रहेंगी, क्योंकि हम एक नए कथानक के साथ आपके पास आएंगे और आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन आज भैया दूज है और भैया दूज की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके घरों में यश रहे, समृद्धि रहे, कीर्ति रहे, धन रहे, वैभव रहे और हंसी तो रहेगी, क्योंकि आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। गोकुल धाम की ये देखो दिवाली आई, दिवाली देखो दिवाली आई, दिवाली। दादाजी पापा देखिए कौन आया है। पापा ये दीदा जी, पापू जी। सुंदर भाई सरप्राइज। माय डियर जीजा जी, मैं आपके लिए एक जबरदस्त सरप्राइज लाया हूँ। अहमदाबाद से? हाँ, ऐसी सरप्राइज है जिसको देख के आप खुशम खुश हो जाएंगे। दया, दया आई है। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।